गुड आफ्टरनून, आप सभी लोग प्लस टू इंग्लिश की निःशुल्क क्लास में भाग ले रहे हैं। निःशुल्क का मतलब है कोर्स जो भी होंगे हमारे रिकॉर्डेड और निःशुल्क यानी बिना पैसे के। लेकिन पीडीएफ यदि खरीदना हो, आपको सहायता लेते हुए पढ़ना हो, जैसे जैसे कोर्स चलेगी वैसे वैसे पीडीएफ आपको प्राप्त हो जाएगा। बस मेरे मोबाइल नंबर 7762983400 पर मैं व्हाट्सएप करके चैट कर लेना है, और फिर उसी नंबर पर मैं आप फोन पे या डायरेक्ट आप उस नंबर पर मोबाइल नंबर पर भेज सकते हैं। स्क्रीनशॉट जरूर भेजिएगा, रजिस्टर्ड आपको करवा दिया जाएगा और आपके मोबाइल पर धीरे धीरे जाते रहेगा। टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, सुगम बना दिया। यदि पूरे ग्रामर का नोट्स, पूरे बुक्स का नोट्स, ऑब्जेक्टिव पैटर्न वगैरह पूरे कोर्स का लेना हो तो 499 हम लोग पीडीएफ का चार्ज रखा है, जो आपको संतुलित आपको मिलते रहेगा। कोर्स की फी नहीं लगेगी, कोर्स पूरे चलेंगे, लेकिन ऑब्जेक्टिव पैटर्न्स या फिर रिकॉर्डेड वीडियोज को बराबर आप देखते रहेंगे, आप फिर मेटेरियल्स सहायता लेंगे और आपके चलते रहेंगे। चूँकि कोर्स की फ़ी नहीं है इसलिए बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं। चलिए हम लोग देखते हैं कि आखिर प्लस टू के क्वेश्चन पैटर्न यानी एग्ज़ाम पैटर्न क्या होंगे। सबसे पहले क्वेश्चन पैटर्न या एग्ज़ाम पैटर्न को हम लोग समझने की पूरी कोशिश करें। इसी को आप एग्ज़ाम पैटर्न का नाम भी दे सकते हैं। और 2024 इसके पैटर्न लगभग सेम रहेंगे। आखिर कैसे, जो 23 में थे वही 24 में रहने की पूरी संभावना। ये अब देखते हैं कि ऑब्जेक्टिव जो है 50 मार्क्स के आपके पूछे जाते हैं, 50 क्वेश्चंस होंगे एक एक मार्क्स के यानी 50 नंबर, और आंसर 50 क्वेश्चन को देना है 100 मार्क्स में से छांट करके, यानी क्वेश्चन 100 रहेंगे, 100 में से कोई 50 बना सकते हो। अब कितने कैसे पूछे जाएंगे ये सारा विश्लेषण हम लोग टॉपिक वाइज करते रहेंगे, परंतु अभी जानकारी ले रहे हैं एग्जाम पैटर्न की। दो खंड में परीक्षा होगी, सेक्शन ए जिसमें सिर्फ ऑब्जेक्टिव होंगे, 50 क्वेश्चंस के आंसर देने हैं आउट ऑफ 100, और सेक्शन बी सब्जेक्टिव होंगे, सब्जेक्टिव में क्या क्या पूछे जाएंगे इसकी जानकारी ले लेते हैं। 18 मई के बाद हम लोगों ने कहा था कि आप लोगों को 18 मई के बाद नई बैच की टाइम दी गई है, दिन में 2 बजे लगातार आप निःशुल्क क्लास, कभी 20 मिनट, कभी 25 मिनट, कभी 15 मिनट 60 वीडियो दे रहे हैं, ताकि आपको दिक्कत भी नहीं हो और तैयारी भी होती रहे। बंधुओं, आप सभी लोग सब्जेक्टिव में कितने कितने मार्क्स का उसको नोट कर लीजिएगा, और धीरे धीरे जो पढ़ाएंगे उसको शॉर्ट करते जाएगा, नोट्स बनाते जाएगा, पीडीएफ आपको मिलती जाएगी, बस प्रैक्टिस करनी है। आइए हम लोग चलते हैं। तो आउट ऑफ 150 मार्क्स का ही जवाब देना है, लेकिन किससे कितने क्वेश्चंस होंगे। ग्रामर से 60%, ग्रामर में वर्ड्स भी आ जाता है, आप कह सकते हैं ग्रामर प्लस वर्ड्स यानी ग्रामर प्लस वर्ड से आपको 60% क्वेश्चन यानी 60 क्वेश्चंस होंगे। अब बुक्स में प्रोज हो, पोइट्री हो, स्टोरी ऑफ इंग्लिश हो, इससे 40 क्वेश्चन, 60 और 40 बराबर 100 क्वेश्चंस, जिससे से 50 ऑब्जेक्टिव ही बनाना है। चाहे जैसे बनाए, जितने बनाए, आप ग्रामर पोर्शन से ज़्यादा बना लेते हो 50 का 50, इधर आने की जरूरत नहीं है। यदि ग्रामर में थोड़ा समझ में टॉपिक्स दिक्कत होती हो तो किताब से हम ऑब्जेक्टिव करवाएंगे, लगभग सा जाएगा, तो 40 इससे ले लेंगे और 10 मार्क्स उधर से ले लेंगे। 40 में कुछ डिफिकल्ट या एसबी वगैरह या नैम वगैरह वाला दिक्कत होती हो तो 35 मान लो, 30 मान लो, तो 10 या 20 ही ग्रामर तरफ से बनाने हैं। इट मींस 100 में 50 मार्क्स ही आपको बनाना है, समझ गए। आइए अब सब्जेक्टिव क्वेश्चन यानी ये सेक्शन ए का मामला हो गया, सेक्शन ए आपको ऑब्जेक्टिव पैटर्न के लिए मामला हो गया। अब सेक्शन बी जो होंगे वो आपको सब्जेक्टिव मामला होंगे। सब्जेक्टिव क्वेश्चंस में आखिर क्या क्या पूछा जाएगा मुन्ना, तो हम बता देता हूँ। ऐसे जिसको आप निबंध कहते हो, एक टॉपिक पर लिखना होता है, अब 150 से ऊपर शब्दों को आपको लिखना है, 200 शब्द में लिखो, लेकिन आप 350 शब्दों वाली गई, समय जितना हो
और मास के लिए इंडिकेशन जितने हो शब्दों में उतना ही लिखें। इसके लिए हिंदी इंग्लिश पैटर्न हम लोगों ने बना दिया है इस बार, ताकि आपको दिक्कत भी ना हो। इसलिए पूरे मेटेरियल्स लेना हो या फिर गेस पेपर जिसको एटम बम हम लोग कहते हैं, मॉडल पेपर, ये सब आपको 250 में ही मिल रहा है। अब पूरे कोर्स से ग्रामर का नोट्स भी चाहिए, बुक्स के भी चाहिए, एसेज वगैरह के भी चाहिए, पूरे सिलेबस विस्तारित रूप से जो क्लास में होते हैं उसके लिए मात्र 499 रुपये ही रखे गए हैं। कोर्स का फी नहीं लगेगा, जितने विश्लेषण चलते रहेंगे तो आपको ऐसे पूछा जाएगा, यानी 8 मार्क्स का एक ही जवाब देना है, 5 रहेंगे, 5 में से एक का जवाब देना है। एक्सप्लेनेशन यानी व्याख्या, जिसमें किताब का लाइन रहेगा पोएम से और प्रोज से, 4 में से एक देना है पोएम से और 4 प्रोज में से एक से, एक एक का जवाब दोगे 4 मार्क्स का इच आपको मिलेगा, है ना। इसके ट्रेनिंग भी हम देगा। लेटर एप्लीकेशन का हम लोग सैंपल देगा, उसी सैंपल के टाइप का ही पूछा जाता है। 2 क्वेश्चन होगा, या तो 2 लेटर या 1 लेटर एप्लीकेशन, है ना, कोई एक का जवाब देना है। आपको 5 मार्क्स मिलते हैं, ये सब पैटर्न पर आधारित होंगे, इसको आप देखेंगे। अब आ गई कि चौथे में क्या होंगे, लेटर एप्लीकेशन हो गए, 2-2 एक्सप्लेनेशन हो गए, ऐसे हो गए। अब आइए पांचवे में 60 क्वेश्चंस। ये 60 क्वेश्चंस जो होंगे बंधु, ओ आपको प्रोज, पोएट्री और स्टोरी ऑफ इंग्लिश तीनों, 5 क्वेश्चन का जवाब देना है 10 में से, है ना, 10 मार्क्स का, 2 मार्क्स इच, 2-2 नंबर के क्वेश्चन होंगे, 5 क्वेश्चन का जवाब देंगे 10। पोएम से मान लो 3-4 देगा, प्रोज से 3-4 देगा, 1-2 कभी कभी 3 भी आपको स्टोरी ऑफ इंग्लिश से देता है। एकाध क्वेश्चन कम ज़्यादा हो सकते हैं, लेकिन मेनली प्रोज पोएट्री की तैयारी हो गई तो आपको 5-6 क्वेश्चन तो आराम से आ जाएगा, 5-6 का जवाब देना है। स्टोरी ऑफ इंग्लिश का बैकअप हो गया और बेहतर, बल्ले बल्ले। आइए हम लोग देखते हैं कि 60 क्वेश्चन भी आपको लगभग लगभग आ जाएंगे। अब 6 नंबर क्वेश्चन पर आ गई, क्वेश्चन नंबर 6 पर लॉन्ग टाइप क्वेश्चन होगा, इनमें किन्हीं 3 का प्रश्न देना है, प्रश्न का उत्तर देना है, आंसर देने हैं 15 नंबर के लिए, यानी कि 5-5 नंबर के 3 प्रश्न, प्रोज सेक्शन और पोएम यानी पोएट्री सेक्शन से 3-3 आपका टाइटल रहेगा, समरी लिखना है, पोएम से 1 जवाब देना है, प्रोज से 1 जवाब देना है, 5 मार्क्स इच यानी 2 जवाब दे दिए, 5×2=10। 1 स्टोरी ऑफ इंग्लिश से लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस लिखने हैं, 3 क्वेश्चन में से 1 दे दिए तो 5×3=15। लेकिन लॉन्ग क्वेश्चंस या समरी लिखने के लिए हम लोग थोड़ा सा रोकते हैं, क्योंकि बिहार की पैटर्न जब तक है मजा लीजिए, लुफ्त उठाइए, कम मेहनत में अधिक मार्क्स लाइए। सर तो क्या करेंगे, इसके लिए हम बता रहे हैं इसी के ऑप्शन में 3 क्वेश्चन और रहेंगे। डी नंबर में रहेगा मैचिंग पोएम से 1 सेट, 5 पोएम 10 जो देंगे उसी में से 5 रहेगा। इसकी ट्रेनिंग भी आने वाले क्लास में हम दे ही देंगे, 5 नंबर पोएम का 1 दिन, 5 नंबर का प्रोज का 1 दिन, 10 नंबर आपके पॉकेट में हो ही जाएगा। 50 नंबर ऑब्जेक्टिव से हो जाएंगे, 60 नंबर 3 हो गए, 40 मार्क्स के सब्जेक्टिव से आपके चलते रहेंगे, आप बस तैयारी करें। देखिए तो आपको समरी लिखना है, 1 पोएम से, 1 प्रोज से, 5×5=10 नंबर, 1 स्टोरी ऑफ इंग्लिश से 3 क्वेश्चन में से का जवाब देना है। यदि नहीं दे सकते हैं तो मैचिंग पोएम से 1 सेट बनाएंगे, 5 पोएम का नाम रहेगा, मैच करेंगे, 5 मार्क्स का, 1 लॉन्ग नहीं लिखना पड़ेगा। दूसरा है ट्रांसलेशन 8 सेंटेंस रहेंगे, 8 में से 5 का जवाब देना है। सब सिंपल रहते हैं, उसकी ट्रेनिंग भी देंगे, 8 मार्क्स में से 5 मार्क्स आपको सॉलिड आ जाता है। फिर 1 लॉन्ग लिखना नहीं पड़ा, और 1 लॉन्ग और से बचना चाहते हो तो हमारा एफ ग्रेड यहाँ पर टाइप में छोड़ दिया है, मैं दे देता हूँ। एफ में फिर मैचिंग पूछेगा, प्रोज से, इसमें से भी 1 सेट रहेगा और यह भी रहेगा 5 मार्क्स का। मेरे बच्चे अब 2 मैचिंग आप बना लिए, प्रोज और पोएट्री से 10, यानी 2 लॉन्ग खत्म, 1 ट्रांसलेशन सेट में बना लिए, 1 लॉन्ग और खत्म। लॉन्ग से बचना है, समरी से बचना है, नहीं लिखना है तो 2 मैचिंग 1 ट्रांसलेशन का सेट पर ध्यान देंगे। आइए
आप कहेंगे सर ट्रांसलेशन हम कैसे बनाएंगे, हम बेसिक और स्पोकन बैच शुरू करने वाले हैं जिसमें शुरू में ट्रांसलेशन और बेसिक सहित स्पोकन कराएंगे। आप सभी के लिए कोर्स हो जरूरी होगी, आप अपनी मजबूती के लिए कर सकते हैं, उससे फ़ायदा होगा, क्वेश्चन आंसर लिखने में सहायता होगी, एक्सप्लेनेशन बनाने में सहायता होगी, लेटर अप्लीकेशन बनाने में सहायता होंगे, एसेज लिखने में सहायता होंगे, भाषा की शक्ति वर्ड और ट्रांसलेशन ग्रामर शुद्धिकरण के लिए। आइए हम लोग देखते हैं, बेहतर तैयारी आपकी होगी और सिर्फ और सिर्फ पीडीएफ चार्ज लगेंगे, वो भी मात्र 250 रुपया। तो ये एक सातवीं क्वेश्चन है, कॉम्प्रिहेंशन या प्रेसिज, संक्षेपण और कॉम्प्रिहेंशन एक पैसे से क्वेश्चन रहेगा, इसमें किसी एक का जवाब देना है 4 मार्क्स का। इट मीन्स 6 क्वेश्चन जो लॉन्ग टाइम में है कि नहीं 3 का ही जवाब देना है। खूब अच्छे से बनाओगे, टोटल 50 मार्क्स आपके इधर से हो गए और 50 मार्क्स आपके ऑब्जेक्टिव से हो गए। पीडीएफ टोटल लेना चाहते हैं कोर्स का तो मात्र 250 लगेगा, कोर्स हट के पूरे क्लास का, पूरी नोट्स का चाहिए मात्र 499, डिस्काउंट करके जिसका 700 लगता था, अब 700 नहीं लगेंगे, 499, यानी पूरे कोर्स आपका प्लस टू का चला जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 में 6 क्वेश्चन है कि नहीं 3 का जवाब देंगे, 2 मैचिंग प्लस एक ट्रांसलेशन, तो 3 लॉन्ग नहीं लिखना पड़ेगा, लॉन्ग समरी 2 और एक लॉन्ग टाइप क्वेश्चन जवाब दे देते हो तो ये मैचिंग वॉचिंग करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन आसान है, मैचिंग और ट्रांसलेशन पूरा का पूरा मार्क्स दिलाएगा, इसलिए उस पर जोर दीजिए। अब आप ध्यान देते हो प्लस 2 के रूटीन में 18 के बाद था, आज 18 में हम लोग रूटीन लॉन्च कर दिए, हम सिलेबस एग्जाम पैटर्न बना दिए, अब अगला जो सैटरडे क्लास होगी और फिर ट्यूजडे, उसमें हम लोग 5-5 नंबर लूटेंगे। आप बने रहेंगे, हम बनाए रखेंगे, आप सिर्फ लाइक सब्सक्राइब को बढ़ाएंगे, मेरा क्रेज, मेरा जो सौभाग्य होगा वो आपका सब्सक्राइब होगा, लाइक होगा, वॉचिंग टाइम होगा। वॉचिंग टाइम भी मैंने शॉर्ट कर दिया ताकि बस चैनल चले। हम ऑफलाइन से थोड़े बहुत क्लासेस लेते हैं और क्लासेस को लेकर के थोड़े बहुत कमाते हैं, थोड़े ऑनलाइन से अपना नाम और थोड़ा बहुत वसूली इसलिए हो जाती है, यहाँ के स्टाफ हों, यहाँ के मेंटेनेंस चार्ज हों, ये कम से कम मिल जाए। चलिए तो मई 2023 से आपका दिन रहा ट्यूसडे, तो 18 मई के पहले ट्यूसडे तो कट गई, 18 मई को रूटीन मिल रही है थर्सडे और सैटरडे से क्लास होगी, फिर ट्यूसडे होगी। और ध्यान देंगे टाइम आपका 2 बजे, लाइव क्लास अनाउंसमेंट के आधार पर में होगी, जब जब हम कहेंगे लाइव के लिए तैयार हो जाओ, कुछ चैप्टर पढ़ा लेंगे, तब लाइव का एपिसोड शुरू होगा। और लाइव के साथ साथ मोबाइल पर टेस्ट के लिए भी आपको दिया जाएगा, आज फलाने चैप्टर से टेस्ट हो रही है, आप अपने मोबाइल पर टेस्ट दें, वहीं आपको मार्क्स मिल जाएगा। थैंक यू, पुनः हम मिलेंगे आपसे। लेकिन ध्यान देंगे अब अंग्रेजी सब पढ़े सब बढ़े, इसलिए कहा था कुमार सर आपने अंग्रेजी को आसान बनाया, यस आई मेड इंग्लिश वेरी इजी। ध्यान दें यूट्यूब पर मैं एक कुमार सर सर्च करके फ्री निःशुल्क कोर्स करें, रिवीजन डाउट लाइव क्लास के लिए मैं स्पेशल जानकारी देंगे, इस पर ही आपको होते रहेगी या स्पेशल आपको देंगे। कोई जानकारी लेने या पीडीएफ लेने से पहले मोबाइल नंबर 7762983400 पर एक कुमार सर से व्हाट्सएप करके बात कर लें, पैसे भेजेंगे सिर्फ पीडीएफ का और कोई चीज़ का चार्ज नहीं लगेगा। जय हिंद जय भारत के साथ हम अपनी बात को विराम देंगे और फिर मिलेंगे अगली क्लास में। ओके थैंक यू बाय बाय।